गांधी का कल जो दुल्हनिया दुल्हनिया हुआ था, राहुल गांधी कल नेपाल में थे और नेपाल में उन्होंने जब वो पकड़े गए एक चीनी लड़की के साथ, तो नेटिजन्स ने ये आरोप लगाए कि उनके साथ चीन के राजदूत थे। वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी किसके विवाह में गए नेपाल में, पब में। और कल आपको कल का वीडियो पूरा देखिएगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी का चीन से क्या संबंध है, वो कल मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया, इसलिए आज उसको नहीं समझाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी नेपाल में जिसका विवाह अटेंड करने गए, उस लड़की का नाम है सुमनिमा, सुमनिमा उदास, राहुल की दोस्त। ये सुमनिमा उदास एंटी इंडिया है, यानी राहुल गांधी के दोस्त एंटी इंडिया है। ये सुमनिमा उदास एंटी सीए दंगे का समर्थक है, यानी राहुल गांधी एंटी सीए दंगे के समर्थक है। ये सुमनिमा उदास सीए सरकार डर के मारे अभी तक लागू नहीं कर पाई। अमित शाह के इंटरव्यू देख लीजिए, अभी तक नियमावली नहीं बनी सरकार में। कह रहा हूं ना कि बाइडन ने जो कहा है ये वो डर जाते हैं, या अमेरिका और अरब के दबाव में। क्लियर बात है, जो हमारे पड़ोस देश हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश, वहां जो सताए हुए वहां के अल्पसंख्यक है, हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन, जो वो उनके नागरिकता भारत में मिले, इसके लिए था। यहाँ के किसी नागरिकता को, किसी नागरिकों का, किसी मुस्लिमों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं था। लेकिन इन्होंने झूठ पूरा फैलाया, सरकार दब गई, नियमावली अभी तक तैयार नहीं किया, खुद लोकसभा में किया है, कहा है सरकार ने, गृह राज्य मंत्री, नियमावली अभी तक नहीं बनी। लेकिन ये सुमनिमा उदास उसके विरोध में थी, दंगाइयों के पक्ष में थी, पूरा अटैक करती थी भारत की संप्रभुता को, हमेशा इसने चुनौती दिया, भारत को गाली गलौज दिया। वो किसका दोस्त है? राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी के दोस्त भारत की संप्रभुता को गाली देने वाले, राहुल गांधी के दोस्त एंटी इंडिया प्रोपगंडा करने वाले, राहुल गांधी का दोस्त एंटी सीए मूवमेंट पर फर्जी झूठ फैलाने वाले, ये सब राहुल गांधी के दोस्त हैं। और इसीलिए राहुल गांधी उनके जो है विवाह में वो गए थे जो है। और ये उसके बाद में सुरजे वाला, सूजा वाला, उसका तो बाबूजी भी सूजा हुआ पकड़ाया और बेटा भी सूजा सूजा है। तो ये लोग जो है आपको, और ये जो लड़की है ये सीएनएन की जर्नलिस्ट है, सुमनिमा उदास, सीएनएन यानी जिसको ट्रंप ने कहा था क्लिंटन न्यूज नेटवर्क, वही वो बाइडन के पार्टी वाली। अब आप समझ में आया आपको, यानी वही अब्राहमिक, सीएनएन एंटी इंडिया फोर्स है, पूरा प्रो मुस्लिम फोर्स है। वहां की ये फॉर्मर जर्नलिस्ट थी जिसके ब्याह में राहुल गांधी गए थे, और ये जो है 2017 तक ये सीएनएन में थी, ये नेपाल में जन्मी हुई है, और उसके बाद जो है वो अमेरिका में रही है, यानी उसी मूवमेंट की है एंटी इंडिया फोर्स की, स्विट्जरलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान में रह चुकी है, रसिया, जॉर्डन, सब जगह रह चुकी है। ये पूरी प्रो इस्लामिस्ट है, प्रो और एंटी इंडिया है, राहुल गांधी के दोस्त है, और ये वाशिंगटन से पढ़ी हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर है ये। और उसके बाद जो है ये सीएनएन के दिल्ली ऑफिस में काम करती थी, यानी राहुल गांधी के लिए भी सीएनएन में एजेंडा सेट करती, और सीएनएन के एजेंडा से राहुल गांधी को, तो यहां से उनकी दोस्ती बढ़ी राहुल और सुमनिमा दास की। जब आपको ध्यान होगा कि नया जो मैप नेपाल की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने 2020 में मई में जारी किया था, और भारत के कई क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया था नए मैप में, और ये किया था चाइना के कारण, चाइना से दोस्ती के कोली की सरकार ने चाइना के कहने पर जो किया था, उसको इस सुमनिमा उदास ने इसको जस्टिफाई किया था, और यानी भारत के संप्रभुता को इतने गाली दी थी उसकी विवाह में, शादी में, ये लोग तो विवाह नहीं करते, शादी में ये जो है आपको शामिल होने राहुल गांधी गए थे। यानी भारत चीन का उसमें भी प्रोपोगंडा इशू है कि चीन भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल में दिखवाना चाहता है, उसमें ये बात शामिल है। और जब कोरोना में वैक्सीन का इशू था तब भी भारत को इस सुमनिमा उदास ने गाली दिया, राहुल गांधी के ट्वीट देखिए, राहुल गांधी भी वो वैक्सीन को लेकर गाली दे रहे थे, और सुमनिमा उदास चीन के प्रोपोगंडा को चला रही थी। यानी राहुल गांधी कहाँ तक अमेरिकन चीन प्रोपोगंडा के पार्ट हैं, किस गहराई तक, वो आपको समझना चाहिए।
उसके बाद आपको मैं बताऊं कि इसके अलावा राहुल गांधी इसमें आरोप लगा, हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि कोई और है, लेकिन आरोप लगा कि ये जो है आपको चीन की जो राजदूत है जो नेपाल में थी, काठमांडू के नाइट क्लब में जो ये पकड़ी गई है, वो महिला नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी, इसका नाम आया हो यांकी, हालांकि कांग्रेस इसका खंडन कर रही है कि ये दूसरी महिला है, हो यांकी नहीं है, लेकिन पहचानने वाले कह रहे हैं ये हो यांकी है। और हो यांकी जो है ये वो है जिसने विष कन्याओं, मैंने कल कहा था ना, यानी हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके पूरे नेपाल की सरकार को चीन के कोठे पर बैठा दिया था। ये सत्ता का, ये पाकिस्तान में भी रही है, सत्ता को उलट पुलट करने में इसकी बड़ी भूमिका रही है चीन के उस पे, और कोहली का कहा जाता है कोहली के अकाउंट में, उस समय का जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए जो पहुंचे थे इसी का खेल था, और कोहली का हनी ट्रैप में कोई वीडियो बना लिया गया, यानी काली नागिनों के प्रयोग करते हुए दुनिया के नेताओं को फंसाना, फंसाने की पूरी विधा में चीन की ये राजदूत हो यांकी शामिल रही है। राहुल गांधी के साथ यदि ये हो यांकी है तो बहुत खतरनाक है। क्या राहुल गांधी कंप्रोमाइज हो चुके हैं जिसके कारण इन लोगों के साथ जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौन है। राहुल, इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक किया है और बताया है ये दुल्हन की फ्रेंड है। बता दो, इंडिया टुडे, अरुण पुरी साहब और राजीव गांधी क्लास फेलो थे, मित्र थे, मित्र सहपाठी। तो इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक करके बताया कि ये दुल्हन की फ्रेंड है, जबकि पहचानने वाले ये चीनी राजदूत हो यांकी बता रहे हैं इसको जो है। और ये पूरा जो मामला है, कांग्रेस अपने सारे एजेंडाबाजों को इसमें उतार चुकी है, फैक्ट चेक करने के नाम पर संस्थान उतर चुके हैं, ताकि जनता में जो राहुल गांधी की छवि खराब हो रही है, ऐसे भी कौन सी छवि है। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है वीडियो में दिख रही महिला को लेकर दावा किया जा रहा है वो निराधार है। उसका कहना है कि वीडियो में राहुल गांधी जिस महिला से बात करें वो चीन की राजदूत नहीं है, वो एक नेपाल की महिला है जो दुल्हन की फ्रेंड है। इतने पहुंच गए तो पता तो करो उनका नाम क्या है, पर दुल्हन की फ्रेंड है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने दोस्त सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू गए थे। काठमांडू में जिस लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स पब में कांग्रेस नेता पार्टी के लिए गए थे, उसके सीईओ रविन श्रेष्ठ के हवाले से इंडिया टुडे ने बताया कि उसके साथ दिख रही महिला चीनी राजदूत नहीं है। आपको बता दूं, चीन नेपाल में ही राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जब गए थे, तो वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा में शुद्ध मन से जाते हैं लोग, महीने भर से मांस मछली सब छोड़ देते हैं, वहां जाकर उन्होंने बड़े बड़े मांस वांस खाए थे, वहां के होटल थे, वो भी बात आपको इंडिया स्पीक पे मैंने बता दिया था, वो भी राज खुल गया था इनका। तो इंडिया टुडे ने दावा किया है कि वो दुल्हन की फ्रेंड है जिसे शादी में आमंत्रित किया गया था। वही उसमें काठमांडू पोस्ट किया को भी इनमें इन्वॉल्व किया गया है। उसने पुष्टि की है कि वायरल वीडियो में दिखाई गई महिला नेपाल की रहने वाली है, पर नाम कोई नहीं बता रहा है। वो महिला चीनी राजदूत नहीं है, दुल्हन पक्ष की ओर से आमंत्रित नेपाली महिला है, लेकिन इंडिया टुडे सबसे बात करने का दावा कर रहा है, वो महिला का नाम नहीं बता रहा है, इसलिए इंडिया टुडे संदिग्ध दिख रहा है। दुल्हन की दोस्त है तो दुल्हन नाम बता देगी, और दुल्हन तो राहुल गांधी की दोस्त है तो तुरंत कह देगी तो मेरी दोस्त है, दुल्हन खुद तो बयान दे देगी, पर दुल्हन तो बयान नहीं दे रही, वो दुल्हन जो एंटी इंडिया है वो तो बयान दे नहीं रही, और इंडिया टुडे उस लड़की महिला का नाम तो बता नहीं रहा है। तो इसमें जो भी हुआ है, कांग्रेस भाजपा की ये लड़ाई है, लेकिन एक बात तो तय है जो भी, कि राहुल गांधी कोई पब्लिक फिगर है, प्राइवेट फिगर आप नहीं है, और आपकी संदिग्ध गतिविधि 2008 के बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, आप कांग्रेस पार्टी के हुए गठबंधन के बाद से डोकलाम विवाद तक और गलवान घाटी तक लगातार, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा तक लगातार आपके रिश्ते चीन के साथ उजागर होते रहे हैं। यदि ये चीन के राजदूत हो यांकी है, तो जैसे चीन की सरकार ने नेपाल को ठप किया था हनी ट्रैप का इस्तेमाल करते, कहीं भारत की विपक्ष के साथ भी ऐसा खेल तो चीन नहीं कर रहा है, ये एक चिंताजनक बात है। यदि चीन के राजदूत को यांकी है तो, और यदि वो दुल्हन की दोस्त है,
तो मेरा तो ये मानना है कि अगर दुल्हन की दोस्त है तो इंडिया टुडे को दुल्हन की जो है आपको दोस्त का नाम बता देना चाहिए, दुल्हन का दोस्त। और कोई भी दोस्त जिसका नाम, देखिए आपने ये वीडियो चलाई, कोई भी आम दोस्त राहुल गांधी के कान में बोलते, कोई पहुंच पाएगा कि आप देखो जरा, आप देखिए आप आगे ये कान में बतियाती दिखेगी आप, ये देखिए, ये देखिए राहुल गांधी उसके कान में बतिया रहे हैं, कोई भी साधारण दोस्त के। तो ये बहुत गंभीर इशू है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।